नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज मैं आपको कंपाउंड वॉल के बारे में बताना चाहूंगा कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको अपने घर बनाते समय कंपाउंड वॉल का वास्तु कैसे सही करना है आमतौर पर आदमी घर का वास्तु तो सही कर लेता है लेकिन कंपाउंड वॉल के बारे में विचार नहीं करता आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आपका घर बन रहा है या आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आपके यहाँ वास्तु दोष बना हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके यहाँ क्या दिक्कत है आपका अपना घर है आपका घर एज पर वास्तु अंदर से तो बना हुआ है लेकिन कंपाउंड वॉल में वास्तु दोष है कैसे वास्तु दोष होता है आप अपने घर की चारों दीवारों को चेक करें जो आपका ओपन एरिया है उनकी आगे से भी फ्रंट के भाग में भी बैक साइड में भी उन दीवारों को चेक करें कौन सी दीवार नीची है कौन सी दीवार ऊँची है ध्यान से देखिएगा आपके यहाँ चारों दीवारें इक्वल है और आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप अपने घर की चारों दीवारों को भी देखें छत के ऊपर जाकर भी आ, नीचे नीचे अपने ओपन एरिया की चारों दीवारें देखें उसमें ऊंचाई नीचाई का फर्क आपको नजर आ जाएगा आपके यहाँ सारा लेवल इक्वल है तो आप पड़ोसी के यहाँ भी देखेंगे तो वहाँ पर हो सकता है आपके पड़ोसी के यहाँ दीवारों का लेवल अप डाउन हो कई बार क्या होता है कि घर साथ बना हुआ है तो एक दीवार हम अपनी नहीं बनाते या आगे की दीवार नौ इंच की बना लेते हैं पीछे की दीवार चार इंच की बना लेते हैं या कई बार ऐसा होता है कि आधी दीवार नौ इंच की बना ली और आधी दीवार हमने चार इंच की बना ली ऐसा करने से भी वास्तुदोष बन जाता है कौन सी दिशा की दीवार हमारी पतली होनी चाहिए और कौन सी दिशा की दीवार हमारी मोटी होनी चाहिए कौन सी दिशा की दीवार हमारी ऊंची होनी चाहिए और कौन सी दिशा की दीवार हमारी नीची होनी चाहिए हमारी जो सीरीज चल रही है प्लॉट चयन से लेकर प्लॉट शुद्धि तक प्लॉट शुद्धि से लेकर गृह निर्माण तक और गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक मैं इस सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज का जो विषय है कंपाउंड वॉल आपका प्लॉट नॉर्थ वेस्ट फेसिंग यानी वायव्यमुखी है आपके प्लॉट के एक कॉर्नर में नॉर्थ आता है दूसरे कॉर्नर में वेस्ट आता है यानी आपका फ्रंट नॉर्थ वेस्ट फेसिंग कहलाता है ऐसे में आपको अपने घर की कंपाउंड वॉल किस प्रकार से बनानी चाहिए आपके प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है तो आप अपनी बिल्डिंग बीच में बनाकर चारों तरफ से ओपन एरिया रख सकते हैं उसमें जो आपके अपने कंपाउंड वॉल है साउथ वेस्ट वॉल साउथ से साउथ वेस्ट होते हुए वे वेस्ट तक ये दीवार आपकी मोटाई में थिक में ज़्यादा होनी चाहिए और ऊंचाई पे भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए जो आपकी अपनी फ्रंट की दीवार है यानी नॉर्थ वेस्ट की वॉल है और जो आपकी बैक साइड की साउथ ईस्ट की वॉल है ये दोनों दीवारें आपकी एक लेवल में होनी चाहिए मोटाई में भी एक लेवल की होनी चाहिए और ऊंचाई में भी एक लेवल की होनी चाहिए और जो आपकी अपनी नॉर्थ ईस्ट वॉल है ये वॉल आपकी नीची होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए किससे साउथ वेस्ट से भी साउथ ईस्ट से भी और नॉर्थ वेस्ट से भी यानी इन तीनों दीवारों से आपकी नॉर्थ ईस्ट की वॉल पतली होनी चाहिए और नीचे होनी चाहिए आप नॉर्थ ईस्ट वॉल को नॉर्थ वेस्ट वॉल से और साउथ ईस्ट के वॉल के बराबर भी कर सकते हैं इसमें भी वास्तु दोष नहीं बनता लेकिन आपकी नॉर्थ ईस्ट की वॉल साउथ ईस्ट वॉल से और नॉर्थ वेस्ट वॉल से या साउथ वेस्ट वॉल से ऊंची हो जाती है तो उस घर के अंदर वास्तु दोष बन जाता है जो कि जल्दी सी पकड़ में नहीं आता आदमी अंदर तो देखता रहता है कि हमारे घर के अंदर कहाँ पर क्या दोष है लेकिन कंपाउंड वॉल के बारे में विचार नहीं करता तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आपका घर बन रहा है और आज आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कम से कम अब जितना भी काम आपके यहां आगे होने वाला है उसको तो आप सही कर सकते हैं आप मेरी इस सीरीज की सभी वीडियो देखकर भी अपने घर को सही कर सकते हैं ये तो हो गया हमारा चार दीवार के बारे में कि आपकी बिल्डिंग बीच में बन जाती है और चारों तरफ से आपके यहाँ ओपन एरिया होता है और आपकी अपनी कंपाउंड वॉल जो बनती है उसमें दीवारों का लेवल कैसा होना चाहिए जो आपकी अपनी फ्रंट की दीवार है सेकेंड पॉइंट क्या करना है जो आपकी अपनी फ्रंट की दीवार है यह दीवार मोटाई में एक लेवल की होनी चाहिए नौ इंच से ज़्यादा मोटी दीवार नहीं होनी चाहिए और दीवार जितनी स्मूथ होगी एक लेवल की होगी उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा डिज़ाइन के चक्कर में अपनी दीवार को मोटी पतली बिल्कुल भी ना करें अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ मेरे एक क्लाइंट अपना नया घर बना रहे हैं पूरा घर तैयार होगा फ्रंट वॉल नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट था फ्रंट की जो वॉल है वो उन्होंने अपनी तेरह इंच की डिज़ाइन के चक्कर में मिस्त्री ने बना दी जब जाकर देखा दीवार मोटाई में ज़्यादा कर दी और जब से दीवार मोटी की है तब से उनके सारे काम रुकते चले गए काम ना तो मिस्त्री प्रॉपर टाइम पे आ रहा है ना ठेकेदार आ रहा है ना लेबर आ रही है कोई ना कोई समस्या उनके यहाँ बार बार बन रही है कभी पैसे की दिक्कत हो गई कभी मैटेरियल टाइम पर नहीं पहुँचा उन्होंने कहा चल बहुत बढ़िया से तैयार हो गया दीवारों पर प्लस्तर भी हो गया जब फर्श करने का टाइम आया फ्रंट की वॉल बैक साइड की वॉल पर प्लस्तर करने का टाइम आया तब दिक्कत आनी शुरू हो गई मैं ऐसा आपने क्या चेंज किया वोले बंसल जी कोई चेंज नहीं किया जैसे आपने कहा था कि इस इस प्रकार से बिल्डिंग बनानी है उसी प्रकार से हम अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है फिर वो बोले बंसल जी एक बार साइट विजिट कर लीजिए हो सकता है कोई कमी हो जब वहाँ पर गए और देखा तो उन्होंने अपनी फ्रंट की वॉल नॉर्थ ईस्ट वॉल सॉलिड की हुई थी सॉलिड कैसे नौ इंच की बजाय तेरह इंच की मोटी दीवार बनाई हुई थी जिसके कारण उस बिल्डिंग का काम रुक गया जैसे मैंने उनको कहा कि इस दीवार को तोड़वा कर दोबारा से नौ इंच की दीवार बन तो उन्होंने वो काम कराया उसके बाद उनकी वो बिल्डिंग पूरी प्रॉपर तैयार हो गई कोई भी दिक्कत नहीं आई ऐसे ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना घर बना रहे हैं तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें जो आपका अपना नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है प्लॉट है उसमें जो नॉर्थ वेस्ट की वॉल है और जो साउथ ईस्ट की वॉल है वो एक लेवल में होनी चाहिए मोटाई में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये भी नौ इंच की वॉल होनी चाहिए साउथ ईस्ट की वॉल भी नौ इंच की होनी चाहिए जो साउथ वेस्ट की वॉल है ये आपकी तेरह इंच की या इंच की हो सकती है लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट की वॉल है ये चार इंच की हो सकती है या नौ इंच की हो सकती है अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताना चाहूँगा आपका प्लॉट है और आप अपने प्लॉट में थ्री साइड ओपन बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपकी बिल्डिंग कहाँ बननी चाहिए एज पर वास्तु आपकी बिल्डिंग साउथ वेस्ट में बननी चाहिए यानी पूरी पूरी बिल्डिंग आपकी साउथ वेस्ट में बननी चाहिए नॉर्थ वेस्ट का भाग भी आपका ओपन हो सकता है साउथ ईस्ट का भाग भी आपका ओपन हो सकता है और नॉर्थ ईस्ट का भाग भी आपका ओपन हो सकता है किसी भी कीमत पर पूरी की पूरी बिल्डिंग नॉर्थ ईस्ट में ना बनाएं और साउथ वेस्ट में ओपन एरिया ना रखें अगर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बिल प्लॉट है तो साउथ वेस्ट में आप अपनी बिल्डिंग को बनाएं ऐसे में भी आपने ध्यान रखना है जो वेस्ट की दीवार और साउथ की साउथ वेस्ट की दीवार है ये दोनों दीवारें आपकी एक लेवल में होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट इक्वल होना चाहिए जैसे मैंने आपको पहले बताया और नॉर्थ वेस्ट की वॉल आपकी हल्की से नीचे हो सकती है या बराबर हो सकती है किसके नॉर्थ वेस्ट के और साउथ ईस्ट के अब इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा आपका प्लॉट साइज में छोटा है और आप ये चाहते हैं कि फ्रंट में और बैक साइड में ओपन एरिया रखना है और लेफ्ट टू राइट पूरी बिल्डिंग बनानी है तो ऐसे में जब आप अपनी बिल्डिंग बनाएं तो इस प्रकार से आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि कंपाउंड वॉल चार दीवारी कैसी होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट की दीवार और साउथ ईस्ट की दीवार दोनों इक्वल होनी चाहिए जो साउथ वेस्ट की दीवार है साउथ कॉर्नर से बनी बिल्डिंग तक वेस्ट कॉर्नर से बनी बिल्डिंग तक ये दोनों दीवारें एक लेवल की होनी चाहिए और कम से कम एक फिट कंपाउंड वॉल में ऊंची होनी चाहिए यानी साउथ वेस्ट की दीवार वेस्ट कॉर्नर भी और साउथ कॉर्नर भी दोनों ही ऊंचे होने चाहिए नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट की दीवार एक लेवल होनी चाहिए जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की ईस्ट कॉर्नर है और नॉर्थ कॉर्नर ये दोनों दीवारें आपकी नीचे होनी चाहिए एक लेवल होनी चाहिए यानी नॉर्थ कॉर्नर भी एक लेवल होगा ईस्ट कॉर्नर भी एक लेवल होगा साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों ऊंचे होंगे किससे नॉर्थ ईस्ट वॉल से इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपके प्लॉट की कंपाउंड वॉल बिल्कुल सही हो जाएगी मैंने अपने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट बताए वो सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कंपाउंड वॉल में कहां पर क्या क्या गलतियां करते हैं जो कि एज पर वास्तु नहीं होनी चाहिए मैं हमेशा ही अपनी हर एक वीडियो में वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता हूँ और अपने अनुभव की बारीकी से बारीकी आप लोगों को बताता हूँ मेरे को वास्तु विजिट करते हुए चौबीस साल हो गए हैं और मेरा जो अपना अनुभव रहा है वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा हमेशा ही अपनी वीडियो के माध्यम से करता हूँ आपका घर बन रहा है या आप अपना घर बनाने जा रहे हैं या आपके घर बना हुआ है और आपके घर में वास्तु दोष है जो बातें मैंने अपनी इस वीडियो में बताई है आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अपने घर के वास्तु दोष को सही कर सकते हैं आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं और आप अप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने अपना अनुभव भी लिखा है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक भी आपके घर को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप सभी का तय दिल से धन्यवाद